हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप बिहार संग्रह से संबंधित बहुत सामान्य और बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे, जो कि बिहार के प्रथम व्यक्ति यानी बिहार में प्रथम व्यक्ति कौन है, वे पद पे जो प्रमुख पद है उस पे कौन सबसे पहले आसीन हुए हैं, उसके बाद जो संस्थाएं हैं बिहार की प्रमुख संस्थाएं, बिहार के महान व्यक्तित्व व्यक्ति के बारे में, और है बिहार में जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता है उनके बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर और भी अधिक आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है मोर अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें जो कि बेल आइकन के रूप में है, लाइक करना नहीं भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है? तो कम से कम 3 लोगों को शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? तो जयराम, ठीक है, जयराम दौलत राम है बिहार के प्रथम राज्यपाल। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि ये तीसरे भारत के तीसरे जो है राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। तो पहले यहाँ थे, बाद में वहाँ बने हैं केंद्र में। तो भारत के ये भारत के बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। और इसके बाद तीसरे नंबर में है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। फिर है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो श्रीमती राबड़ी देवी। उसके बाद है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो अब्दुल गफूर है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं। फिर है नेक्स्ट बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो हैं भोला पासवान शास्त्री जी हैं, दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बिहार के सर्वाधिक कालावधि में यानी कि सबसे अधिक अवधि के लिए जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। उसके बाद देखिए, अभी तक बिहार में सर्वाधिक चुने गए मतलब सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त है वो निवर्तमान ही है अभी, नीतीश कुमार हैं। 6 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो एक तरह से इम्पोर्टेंट है इतिहास में ये भी बात पूछा जा सकता है। सबसे अधिक बार यही बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नेक्स्ट है बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राम दयालु सिंह थे, ये 1917 में ये बने हैं, 1917 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के ठीक है, तो प्रथम सभापति जो है राजीव रंजन प्रसाद सिंह है, और 1937 से 1948 के बीच का इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद कि बिहार विधान परिषद के जो है प्रथम महिला सभापति तो राजेश्वरी, ठीक है, राजेश्वरी है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, पटना में मतलब इनके नाम से स्कूल भी चलता है, सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल। तो ये है बहुत अच्छा, अपने सरकारी स्कूल में बहुत मान्यता प्राप्त है इस विद्यालय के, और बहुत यहाँ के स्टूडेंट बहुत प्रतिभाशाली होते थे। अब नेक्स्ट है बिहार के प्रथम चुने गए लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, बिहार से ऐसे नेता जो कि लोकसभा अध्यक्ष बने हैं पहली बार, तो वो बलराम भगत थे, और 5वीं लोकसभा में ये बने थे, पहली सबसे पहले ही बने हैं लोकसभा अध्यक्ष बलराम भगत बिहार से। फिर है महिला में आइए, तो बिहार के प्रथम महिला नेता जो कि लोकसभा अध्यक्ष बने हैं तो मीरा कुमार बनी है, और सासाराम सीट से ये जीतती हैं, ठीक है, सासाराम से हैं,
जगजीवन राम की जो है बेटी है ये, और ये 15वीं लोकसभा में ये लोकसभा अध्यक्ष थी, और भारत की भी पहली, मतलब भारत की भी पहली महिला जो है अध्यक्ष रही है भारत, मतलब कि संसद की, ठीक है, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष जो है महिला अध्यक्ष के रूप में भी मीरा कुमार को ही जाना जाता है और है। तो बिहार के संदर्भ में भी ये बिहार से भी जाने वाली पहली है, और जो है कि भारत में भी ये पहली ही है, ठीक है, दोनों बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पाने वाले प्रथम बिहारी थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म, ठीक है, मैथिली फिल्म तो ये कन्यादान है, ठीक है, कन्यादान है। इसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, एक दो प्रश्न है, लेकिन आपको जानना चाहिए, इसलिए ये बातों को यहाँ पर लाया गया है। तो बिहार के प्रथम महंगी फिल्म जो है वो भैया है, यहाँ पर फिल्म का अब स्कोप बढ़ रहा है खासकर भोजपुरी फिल्मों की वजह से। तो खैर इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में सचिवालय की स्थापना जो हुआ था, जो सचिवालय आप देखते हैं घंटाघर, बिहार का घंटाघर खासकर बुक्स वगैरह में तो ज़्यादा छपा रहा था, ये 1912 ईस्वी में बना था, सचिव जो पुराना सचिवालय है 1912 ईस्वी का है। और बिहार में आया जो सबसे बड़ा भूकंप, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप जो है 1934 में आया था, और ये मुख्य जो भूकंप का केंद्र कहिए या सबसे ज़्यादा जो तबाही हुआ था वो मुंगेर में हुआ था। अब है बिहार विधानसभा जो स्वतंत्र रूप से कब अस्तित्व में आया, तो 1937 से ये अस्तित्व में आया है, बिहार विधानसभा जो है स्वतंत्र रूप से 1937 से आया है। वही नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था दिल्ली गद्दी पर, तो शेर शाह सूरी थे जो कि 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हैं। फिर नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो होते हैं वो कौन बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, ये प्रथम बिहारी थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने अपना योगदान दिया था, कार्य किया है। फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं मैंने चूंकि ये सब बातें मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1916 में हुआ है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थे। फिर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय, याद रखिएगा भारतीय के ये भारतीय हैं, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सैयद फजल अली, एक मुस्लिम, ठीक है, सैयद फजल अली थे। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात यानी आज़ादी 1947 के बाद जो है 1947 के बाद जो आज़ादी मिली, तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो सर क्लिफर्ड मोहन अग्रवाल, ठीक है, मोहन अग्रवाल, आप याद रखिएगा मोहन अग्रवाल अग्रवाल जो 1947 के बाद बने हैं यानी आज़ादी के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाए वो, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद बोध गया में, बोध गया जो कि गया गया से 10 किलोमीटर जो है दूर है बोध गया, और यहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बौद्ध मंदिर बनाने वाला प्रथम निर्माता कौन था, तो ये समुद्रगुप्त थे, ठीक है, जिसको भारत का नोपलियन कहा जाता है। और इसके बाद है बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था, और 1198 ईस्वी में लगभग इसने जो है बिहार में जो है तुर्क जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है यहाँ पर सत्ता स्थापित कर दिया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब प्रथम द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल बिहार ही रहा है, ठीक है, तो ये कौन कौन सा स्थल है, तो पहला का प्रथम का राजगीर है, जिसको राजगृह बोलते हैं, दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र के कुम्हरार एरिया है, ठीक है, कुम्हरार पार्क है वहीं हुआ है,
इसके बाद प्रथम जैन संगीति का आयोजन भी हुआ है पाटलिपुत्र में ही, तो ये सब बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। अब है बिहार में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी यात्री कौन थे, तो ये देखिए विदेशी यात्री सबसे पहले जो विदेशी यात्री थे वो मेगस्थनीज थे, और मेगस्थनीज भारत बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हैं, जब संधि हुआ था सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो उसके बाद बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो थे रॉल्फ फिच थे, ठीक है, रॉल्फ फिच अंग्रेज यात्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो हुई थी उसमें लड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह थे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, हालांकि इससे पहले भी पीरअली जो है पटना में इस स्वतंत्रता संग्राम का जो है लड़ाई जो लड़ चुके थे, 4-5 दिन हफ्ते या 1 सप्ताह तक कहिए, उन्होंने नेतृत्व भी किया था 3 दिन और 1 सप्ताह जो है पटना जो है बहुत स्थिति मतलब यहाँ पर माहौल बदल गया था स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। लेकिन जो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह है, इसलिए यही होंगे, ठीक है। तो अब है महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था पश्चिम चंपारण 1917 में, जो कि बिहार में है पश्चिम चंपारण। और बिहार का प्रथम शहीद स्मारक जिसको सप्तमूर्ति बोलते हैं और या शहीद स्मारक, दोनों में से जो नाम आपको याद हो सकता कर लें या दोनों रखें याद, ठीक है। और ये पटना में है, और यहाँ पर 7 19 जो आज़ादी के लिए 7 विद्यार्थी थे उन्होंने गोलियां खाई थी बिहार विधानसभा के सामने, इसलिए उनका स्मारक बना दिया गया वहाँ पर। और ठीक है 9 अगस्त का शायद दिन था जिस दिन ये मतलब शहीद हुए थे। फिर बिहार की सबसे कम उम्र वाले सबसे कम उम्र नहीं सबसे कम समय वाले मुख्यमंत्री जो है सतीश प्रसाद सिंह है, सबसे कम उम्र नहीं, इसको थोड़ा सा लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, सबसे कम समय के लिए बने हैं ये सतीश प्रसाद सिंह, ठीक है। सबसे कम समय वाले जो है कम समय वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह हैं। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम सासाराम से बहुत लंबा समय तक ये संसद में रहे हैं, संसद सदस्य रहे हैं। फिर है बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र जो है सर्च लाइट था, और बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र जो है सर्वहितैषी, ये सब आता है इसलिए याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ही है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है जो कि साप्ताहिक था वीकली आता था वो बिहार बंधु था, जो कि 1874 में ये प्रकाशित हुआ है। फिर बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि वीकली था और जिसका नाम था द बिहार हेरोल्ड, 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बात याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे, तो थे गुरु नानक। उसके बाद बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये जो है बरौनी में है, बरौनी रिफाइनरी। अब है बिहार के प्रथम चीनी मिल जो है मरहौड़ा है, जो कि 1904 ईस्वी में बनाया मतलब स्थापित हुआ है। और उसके बाद प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान देंगे। और बिहार का प्रथम पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1917 ईस्वी में हुआ है, ये भी याद रखने का है। और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय फिलहाल जो है मगध विश्वविद्यालय है, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसके जिसके अंतर्गत बहुत कॉलेज हैं, तो मगध विश्वविद्यालय है जिसका जो मुख्यालय है बोधगया है। अब देखिए बिहार संग्रहालय का जो है स्थापना हुआ है, जो पटना संग्रहालय के स्थान पर इसको अंतर्राष्ट्रीय जो रूप दिया गया है, बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है ये बिहार संग्रहालय। ये जिसकी जिसका शुरुआत जो हुआ है 2016 ईस्वी में हुआ है, तो ये बात भी याद रखेंगे, बिहार म्यूजियम के नाम से फेमस हो गया है ये। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो सबसे पहले जो है
न पाषाण युगीन अवशेष कहाँ से बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चीरान से प्राप्त हुआ है जो कि छपरा में है। ठीक है, छपरा में है। बिहार में आया सबसे भीषण बाढ़ जो है वर्ष 1975 का बाढ़ है, 75 में जो बाढ़ आया था सबसे भीषण बाढ़ आया था। उसके बाद बिहार बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में खोला गया था 1978 ईस्वी में, वहां स्थापित हुआ था 1978 ईस्वी में। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र जो है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, जो कि पटना में गांधी मैदान के जो है साउथ, मतलब कि साउथ वेस्ट में है, कॉर्नर पर है ये। ठीक है, और ये पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम जो है ये मोनियुल हक स्टेडियम है, जो कि राजेंद्र नगर का क्षेत्र है, वहीं पर पड़ता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का प्रथम नृत्य भवन, तो ये भारतीय नृत्य कला मंदिर है, पटना जंक्शन से 1 किलोमीटर जो है नॉर्थ है ये भारतीय नृत्य कला मंदिर। उसके बाद अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था, तो स्वर्गीय रणधीर शर्मा थे अशोक चक्र प्राप्त करने वाले, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बहुत। उसके बाद बिहार के उप सेना के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, बिहार के प्रथम महाकवि थे विद्यापति, विद्यापति। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वन वाला जिला जो है ये किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद है। उसके बाद सबसे बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला, गर्मी वो सबसे गर्मी बहुत गर्म गर्म जिला और ठंडा है, सबसे ठंडा जिला का जो है वो गया है। गया में सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक गंधक, ठीक है, गंधक उत्पादक जो जिला है वो है, गंधक उत्पादक जिला वो रोहतास है। ठीक है, रोहतास। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र जो है करमटिया गांव है मुंगेर का, जहाँ से ही मतलब एक ही मात्र है बिहार में जहाँ सोने की खान है, करमटिया गांव में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी, मैंने इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है। अब है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है बिहार में, तो गंगा की, तो ये है गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों ये बिहार के सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक है, और बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक जो था वो इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, अब है भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति है उनसे संबंधित कुछ खास, कौन किनको किनको मिला है, तो भारत रत्न जो है पाने वाले पहले बिहारी के रूप में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है, तो ये 1962 में इनको मिला, सबसे पहले यही बिहारी थे जिनको मिला है भारत रत्न। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो मिला है 1963 में, तो ये हैं दूसरे व्यक्ति, एक तरह से बिहार के दूसरे व्यक्ति हुए जिनको भारत रत्न मिला है 1963 में। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला है, बिहार से संबंधित हैं ये, इसलिए इनका है यहाँ जिक्र। तो 1992 में इनको दिया गया है। उसके बाद है लोकनायक जयप्रकाश जो नारायण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के राजनीति में, तो इनको इनको 1999 मिला है, याद रखेंगे 1999 में इनको दिया गया है भारत रत्न। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खान है बिहार के, ठीक है, डुमराव से है ये, आरा के आगे डुमराव है जो कि शायद बक्सर जिला में पड़ता है, तो ये डुमराव से हैं, उनका जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान सहनाई सहनाई वादक हैं ये, मतलब अब नहीं रहे, तो इनको मिला है भारत रत्न, दिया गया है 2001 ईस्वी में। ठीक है, 2001 ईस्वी में। तो दोस्तों यही थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
और आपसे आशा है कि ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे मेहनत को जो है सम्मान नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। और कम से कम 3 लोगों को शेयर करना नहीं भूलें। तो ये काम सबसे पहले करना है दोस्तों। हालांकि मैं सबसे आखिर शुरू में भी और आखिर में भी हमेशा बोलता हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि और भी अधिक वीडियो के लिए और सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद।